BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। गोपालगंज में हो रहे उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू है। सुबह से ही वोटरों की लंबी कतारें लग रही हैं। लोग भारी संख्या में घरों से निकलकर बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट दे रहे हैं। बता दें, गोपालगंज विधानसभा से राजद ने मोहन प्रसाद गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ BJP से स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी चुनावी मैदान में है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि राजद के विरोध में तेजस्वी की मामी इंदिरा यादव चुनावी मैदान में है, जिससे तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को भारी नुकसान का सामना करने का अनुमान है। राजद है इसलिए भी कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर माइनॉरिटी वोटर राजद से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजद का वोट तेजस्वी के मामा साधु यादव की पत्नी को भी जा रहा है। फिलहाल गोपालगंज में मतदान की प्रक्रिया शुरू है और इसकी तस्वीरें हम आपको न्यूज दिन तक पर दिखा रहे हैं। बता दें कि शाम 5 बजे तक यहां पर वोट डाले जाएंगे और 6 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। ऐसे में आज चुनाव खत्म होने के बाद सभी लोगों की निगाहें 6 नवंबर को होने वाले वोटों की गिनती पर होगी, लेकिन जो जोड़ घटाव का काम है वो आज शाम 5 बजे के बाद से ही शुरू हो जाएगा। 5 बजे के बाद से ही चाय की दुकानों पर लोग चाय की चुस्की लेते हुए अपना अपना गणित समझाने और समझने में लग जाएंगे कि कौन सा उम्मीदवार किस उम्मीदवार पर भारी पड़ रहा है। फिलहाल तो वोटिंग चालू है और लगातार लोग घरों से निकल रहे हैं। न्यूज दिन तक भी आपसे अपील करता है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें और घरों से बाहर निकलें और बूथ तक जरूर जाएं और अपना वोट का उपयोग। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंधरढाला ओवरब्रिज के नीचे सिवान।